सम्मानित गुरु रूप साथ समझियो बड़े पर जोड़ सने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने एक शक्ति मनिया है व्यक्ति नहीं। जैसे कि असी अरदास करते हैं प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई ध्याय भगवती दी वार दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना है और अजीम रचना है। तो प्रथम भगवती ते भगवती के अर्थ ने शक्ति ताकत शक्ति परमात्मा गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दृष्टि च एक शक्ति है व्यक्ति नहीं। जे परमात्मा व्यक्ति मन लीए तो फिर उसका जन्म भी मनना पड़ेगा तो जिसका जन्म मन लीए उसका मरण भी मनना पड़ेगा। तो सतगुरु तिंग ने आ जन्म है आ मरण है जाप साहब पढ़ते हो ना आप खुशकिस्मत हो गए जिन्हों के कंठ दे जाप साहब होगा। आ जन्म है आ मरण है ए प्रभु तेरा कोई जन्म नहीं क्योंकि जन्म मौत दे नाल जुड़े हुआ है। कोई ऐसा जन्म नहीं जो मौत तो खाली हो गए। तो हे प्रभु तू आ जन्म है आ मरण है। जे परमात्मा नु व्यक्ति मन लिए फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे। जिसके मां बाप मन लीए उसकी जात पात भी मननी पड़ेगी। इस वास्ते साहिब कहन ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। कहन व्यक्ति व्यक्ति तो प्रभावित होता है व्यक्ति शक्ति तो नहीं। शक्ति व्यक्ति तो बहुत अगे एकाग्रता पूछने तो इस अगे तो इस महान हस्ती परिपूर्ण परमात्मा दे नाल संबंध जोड़न वास्ते कुदरती गल है मनुख नु महान होना पैंदा है। गुरु का सिंघासन बड़ा उच्चा है बहुत उच्चा है असी थले हैं नीवे खड़े हैं। गुरु अपनी बाण देंदा है बे ऐ सिख तू मेरी बाण दा आसरा पकड़ के उपर चढ़ा। कहिंदे ने संबंध ताणी जुड़दा है या दूजे नू अपने वर्गा बनाईए या खुद दूजे वर्गा बनी वरना संबंध नहीं जुड़दे। बगौर मुताला करके वेख लेना जिथे किधरे थोड़ा संबंध किसी नाल जुड़िया है या तो तुम दूजे को अपने वर्गा बना लिया या खुद उस वर्गे बन गए संबंध जुड़ गए वरना नहीं जुड़ेगा कतई नहीं जुड़ेगा। गुरु नाल संबंध जोड़ना है या तो गुरु वर्गे बनीए या गुरु को अपने वर्गा बनाइए होर तो कोई चारा है नहीं होर तो कोई तरीका नहीं। गुरु बहुत उच्चे सिंघासन से बैठा है असी थले खड़े हैं। ते गुरु कहिंदा है मेरे नाल संबंध जोड़न वास्ते थोड़ा उपर उठना पड़ेगा ते उपर उठन वास्ते मैं तेनू आसरा दे दिना। ये कीर्तन ये कथा ये शब्द प्रणाम सब आसरा है गुरु का दिता है ते मैं तेनू आसरा दे दिना तू उपर उठ। ते सिख कहिंदा है ए गुरु मैं उपर उठा इन्ना तरद्दद करा इन्नी मेहनत करा तू भी थले आ जा। तो मैं ऐसा हूं देखदा संबंध ते ताणी जुड़ सकदे ना या जिहड़ा उपर है थले आवे या जिहड़ा थले उपर जावे यही है ना तरीका। तो कई दफा मनुख गुरु नू थले लिआउण दी कोशिश करदा इन्ने मैरज कर दे और गुरु ने थले आना नहीं तुसी लख भी कोशिश करो हां मन की सिर्फ कल्पना हो सकती है उहदे नाल तालमेल बिठाण वास्ते उच्चा होना पड़ेगा इस तो बिना गल नहीं बनेगी।
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अटल हुक्म है, मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र केसन देवो ना दीदारे। दसम ग्रंथ मेरे नाल संबंध जोड़ना है, तो फिर जब मैनू दर्शन देन तू आवे तो मैं तेरे दर्शन करा तेरे केसां दे चों, तेरे पहने हुए शस्त्रां दे चों। ते जे ये दोवे ही कोई नहीं तो मेरे मत्थे ही ना लगे कल मुक्त। हुण तुसी लख कोशिश करो मत्थे लगन दी, नहीं लगना नसीब हो। तुसी लख भी कर लो कोशिश, अज तक ते नहीं गल बने, कदे ही नहीं बने। मैं एक दिन पढ़ रहा सी राम दी जीवन कथा, वो बड़ी प्रसिद्ध ते रोचक कथा है जो लिखी है तुलसी ने। हनुमान एक दिन सीता नूं पुछदा है, भई मां एक तू मत्थे देच लाल लाल जो पांदी है मांग दे चे की है। सीता कहन लगी संदूर है, प्राचीन समय तो भारतीय नारी मांग दे संदूर भरती रही अजे भी। ਇਹ ਸੰਦੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਨੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂਗ ਸੰਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹੈ, ਸਵਾਗਣ ਦਾ ਚਿੰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰੀਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਮਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੰਦੂਰ ਮਲ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਮਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂਗ ਚ ਭਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਦੂਰ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਖਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤਨ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਇਸਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਖਾ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਪੀ ਲੈ ਪਰ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਝੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ,
फल मिले अगले जन्म च, मैं समझदा इस तरह के सत्संग करने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। अज ही गल बन सकती और पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की थानू सुनावा, आज मिलावा शेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनु मचिंदड़िया। मन मछराण वालिया वाशनावान जे किधरे रोक लवे, अज ही रब का मिलाप है, कल ते क्यों छड़ दो, परसों ते क्यों छड़ दें। किड़ा कम बंदा पोस्टपोन करना चाहता जेड़ा करना ही नहीं चाहता, उन्हों कल ते सुटता है। बगौर मुताला करना, जो जरूरी काम है वह अज करना है, जेड़ा गैर जरूरी है कल ते परसों ते। शराब पीनी है अज पीनी है, अमृत छकना है वेखांगे सोचांगे, कल सोचांगे परसों सोचांगे। झूठ बोलना हुणे ही बोलना है, हुणे ही बोलना है, सच बोलना है सोचांगा विचारांगा। और इस तरह कल कल जिंदगी काल दे मौत विच पै जांदी है और जिंदगी दी बाजी मनुख करीबन करीबन हार के ही चला जांदा है। जीवन तो कीमती कुछ भी नहीं, ते जीवन अजाई चला जाए, व्यर्थ चला जाए, निष्फल चला जाए नहीं। जिस दरखत में फुल फल ना लगन बड़ा बदकिस्मत है, ते जिस जीवन विच परमात्मा का मिलाप नहीं जिंदगी बड़ी व्यर्थ गई नाकार आ गई। तो मैं इस करा जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, साहिब कहिंदे ने वह व्यक्ति नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बचन, सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे कहो न देखन पाए। महाराज कहते ने समाधियां ला ला के लोकी थक गए ने, परमात्मा मनुख की तरह नहीं दिखाई देता, ते मनुख मनुख तो ही प्रभावित आंदा है। जिहड़ा शरीर दे तल ते रुकिया हुआ मनुख है, इस तो उच्चा नहीं उठ सकिया, उहदा गुरु भी शरीर धारी होगा, उहदा रब भी शरीर धारी होगा, क्योंकि खुद शरीर तो नहीं उच्चा उठा। जो शरीर तो उच्चा उठ गया वो कह देता है, आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु संघ, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जी। उसे गल कुछ होर हो जाती, मनुख शरीर के कल ते जी रहा। तो मैं अर्ज कर रहा है जे परमात्मा नू मन लईए व्यक्ति, तो फिर जन्म भी मनना पेगा, मरण भी मनना पेगा। जे उन्हों मन लिए व्यक्ति, तो फिर जात भी मननी पेगी, पात भी मननी पेगी। जे उन्हों मन लिए व्यक्ति, तो फिर उसका रंग भी मनना पेगा, उसका रूप भी मनना पेगा। सतगुरु कहते हैं अरूप है अनूप है, तेरा कोई रूप नहीं, पर तू बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। जब रूप ही कोई नहीं तो सुंदरता कित्थे, गल एक विचार वाली। जब रूप ही कोई नहीं तो सुंदरता कित्थे। परमात्मा के तीन गुण गुरु नानक ने बयान किए ने जपजी साहब, सत सुहान सदा मन चाओ, तू सत है, तू सुंदर है, तू सदी भी खिड़िया हुआ है, आनंद है, तू आनंद स्वरूप है। तू सत है, तू सुंदर है, तू आनंद है। तेन अपनिष्ठा के ऋषियों ने इंज कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, तू सत है, तू प्रकाशमान है, तू सुंदर है। पर जब तेरा कोई रूप ही नहीं तो तू कहदा सुंदर, अरूप है अनूप है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है, पर तेरा कोई रूप नहीं। इस पहलू नूं समझना पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा सी जे परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो उसका रंग भी मनना पड़ेगा, रूप भी मनना पड़ेगा। सतगुरु कहिंदे ने तेरा कोई रूप नहीं। जे परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो जात भी मननी पड़ेगी, पात भी मननी पड़ेगी। तो सतगुरु कहिंदे ना जात है ना पात है ना तात है ना मात है। और जे परमात्मा नूं वाकई व्यक्ति मन लईए तो मैं इतनी अर्ज करा, फिर यह भी फैसला करना पड़ेगा कि वह नर है कि नारी है।
उठे भी फैसला करना पड़ेगा। जे परमात्मा व्यक्ति है तो फिर हम सोचना पड़ेगा स्त्री है कि पुरुष है। समुची दुनिया विच परमात्मा किधरे नर करके पूजिया जाता है, किधरे नारी करके पूजिया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो कहो कैसे। निर्विचार अवस्था विच हे प्रभु तेरी मैं झलक वेखी है, पर तू नर नारी नहीं है, तू स्त्री ते पुरख नहीं है। नार ना पुरख कहो कहो कैसे, तो किस तरह का है ये ते गल कही नहीं जा सकती, पर इतना आखना पड़ेगा कि वो स्त्री ते पुरुष नहीं है, वो नर ते नारी नहीं है। परमात्मा नु नर मन लईए, अंदर संस्कार नर दे मरण गए। परमात्मा नु नारी मन लईए, अंदर संस्कार नारी दे बनन गए। ते सतगुरु कहिंदे ने जैसा सेवे तैसा होए, जिसका ध्यान जोड़ो वैसे अंदर संस्कार बन जाते हैं। ते भगत नामदेव ने इस संबंध च बड़ी जरूरत की थी, ते कहिंदे ने महामारी की पूजा करे नर से नार होए अवतरे। परमात्मा नु जिहड़ा नारी मन लवे उहदे संस्कार नारी दे बनणगे, अगला जन्म उसका नारी का स्त्री का। ते जिहड़ी स्त्री परमात्मा नु पुरुष मन लवे ते उहदे पुरुष दे संस्कार बनणगे, उसका अगला जन्म पुरुष का। मोक्ष ते ना होई ना, मुक्ति ते ना होई, इहदे चक्कर बणिया रहे। तो सतगुरु कहिंदे ने परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, और ऐसी शक्ति जो सत है, चित है, आनंद है। सत चित आनंद, यदि हम मैं थोड़ी जी वजाहत कर दें ताकि सत्संग आप क्यों करते हैं, कथा कीर्तन क्यों सुनते हैं, ये कुछ मनोरथ का प्रयोजन का पता चल सके। मनुख नू हर कीमत ते हर हालत दे आनंद चाहिए। मनुख सुपने विच भी बेरसी नहीं मंगता, रस चाहिए, आनंद चाहिए। मनुख की मंग ही आनंद की है। कभी बहुत मुताला करोगे, जिथे आनंद ना बने बंदा दुखी हो जाता, बेचैन हो जाता। मनुख की मंग आनंद की है। ते साहब कहिंदे आनंद ते परमात्मा, जिस तरह रोशनी सूरज दे नाल जुड़ी हुई है, आनंद ते परमात्मा दे नाल, परमात्मा ही आनंद है। आनंद मंजिल है, आनंद टिकाणा है, आनंद वो अस्थान है जिथे असी पहुंचना है। पर हुण आनंद तक पहुंच सकीए की करिए, एकाग्रता बख्शनी। सतगुरु ने आनंद तक पहुंचने वास्ते पहले दसिया जप, फिर जाप, फिर कुछ सहीए, फिर कुछ चौपाई, फिर आनंद। इहदी थोड़ी जी वजाहत नू समझना। मंजिल साडी आनंद है, मंजिल अखीर दे चाहुंदी पहुंचना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी आनंद साहब की करीबन करीबन दीवान की समाप्ति ते पढ़ी जाती है, अखीर दे च बार बार पढ़ी जाती है। इस वास्ते कि मंजिल होंदी अखीर दे च, पहुंचना ते आनंद तक है। ते आनंद उदों मिलता है जब गुरु मिले, गुरु मिले बिना आनंद कोई नहीं। हुण गुरु किवें मिले, परमात्मा किवें मिले, अकाल पुरख किवें मिले। सतगुरु कहिंदे पहले जप। तो जप जी साहब जिहड़ी पहली बाणी है जिहदा नाम मेरे पातशाह ने जप रख्या है, उहदे च तीन गल्लां ने। जप किसदा करना है, जप कदों करना है, जप किवें करना है। तीन गल्लां ने जप जी साहब जो मेरे पढ़न विच आईया ने। जप किसदा करना है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे ही सच। जप करना है सच दा, जो बिल्कुल सच है। ते सच दा मतलब है कायम दायम, जो हमेशा है, ये नहीं कि अज है ते कल नहीं। व्यक्ति अज है ते कल नहीं, व्यक्ति सर्वकाल नहीं है, अकाल नहीं है, अज है ते कल नहीं। ते व्यक्ति सर्व ठौर भी नहीं है, एक थां ते है दूसरी थां ते नहीं। अगर रब नूं मन लो व्यक्ति, ते व्यक्ति बैठा हो दिल्ली
ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ? ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਇਹੀ ਸੱਚ। ਜਪ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਪ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਹੱਥ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਭਜਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਜਨ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਸਭ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਕੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ, ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੀ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣੀਏ ਧਰਤ ਦੌਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣੀਏ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣੈ ਕਹੁ ਨ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤ ਕਥਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੋ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ,
दरअसल सुनी है, मन्नी नहीं। तो जब मन्नी नहीं तो नहीं सुनी। वड्डे भरा छोटे भरा नूं कह देंदा है भी तू गल नहीं सुनी, नहीं सुनी है, मन्नी नहीं। तो जब मन्नी नहीं तो सुनना की मैंने रखता है, गल खत्म। मालिक नौकर नूं कह देंदा भी तू गल नहीं सुनी, पत्नी पति नूं कह देंदी या पति पत्नी नूं कह देंदा भी तुसी गल नहीं सुनी, नहीं सुनी है, मन्नी नहीं। तो जब मन्नी नहीं तो नहीं सुनी। एनी मैरिज कर दे, हालांकि बच्चे नूं प्यो ने कुछ कहा है लेकिन प्यो कह रहा भी तू नहीं सुनिया, दरअसल सुनिया है उसने, मनिया नहीं। कि जो मनिया नहीं वह नहीं सुनिया। इन्नी मैरिज कर दे, 40 साल तो कीर्तन सुनो ते मनो ना, 40 साल तो गुरु घर का इतिहास सुन रहे हो और मनो ना, नहीं सुनिया। सुनिया ही नहीं तो दुख पाप कितने मिटन। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का ना, सुनदे ही दुख पाप नाश हो जाते। हुण तुसीं इह गल सुनी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने अहै मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। मैं थोनू सतगुरु दे वाक पढ़ के सुना दिते। हुण सतगुरु कहिंदे ने गा गया सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आ गया सत सत करमाए। हुण सतगुरु दे बचन में पढ़ के थोनू सुना दिते ते तुसीं मनणे ही नहीं। ते जद नहीं मनने ते नहीं सुने, ते जद मनने ही नहीं ते इस तरह दे बचन भावे सारी जिंदगी सुनते रहो ते करोड़ा जन्म सुनते रहो, कुछ भी नहीं होना। झूठे लालच अगर कोई थानू देंदा ते बिल्कुल झूठे ही नहीं और कुछ नहीं, मनदे ही गल बनेगी और कुछ नहीं। जिन्नी सुन के मनिया तेन बलहारे जा, कम से कम इतनी गल ते कबूल करनी पेगी कि गुरु साथों अगे है असी पिछे। और जब वो अगे है तो साढ़े नालो ज्यादा सियाना, साढ़े नालो ज्यादा जानता है, जो कुछ सानू कह रहा है साढ़े भले वास्ते कह रहा। इस वास्ते सतगुरु कहिंदे ने उही गल सुनी गई है जो मनी गई है, जो मनी नहीं गई वह नहीं सुनी गई। और बहुत मुताला करके वेख लेना, जिहड़ी गल सुन के मन्नी नहीं गई उते पवन दी तरह उड़ गई, खत्म हो गई। उहदा जिंदगी नाल कोई बहुता मतलब ही नहीं रहिंदा। तो खैर मुख्तसर हुण मैं अर्ज करां, सुनदे ही दुख पाप नाश हो जांदे, सुनदे ही गल बन जांदी है। और ऐसा सुनना जे किधरे एक मिनट वास्ते भी हो जाए तो गल बन जांदी है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन, एक सैकंड, एक सैकंड विच गल बन सकती है। निर्वाण कीर्तन गाओ करके का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड विच गल बन सकती है। कल परसों ते क्यों छड़दा पिया, अगले जन्म ते क्यों छड़दा पिया, अज ही गल बन सकती। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया, मनो मचिंदरिया। मन नू मछराण वालिया वासनावां नू रोक, अज ही गुरु का मिलाप, अज ही रब का मिलन। तू भोजन हुण छके हुण ही भुख मिटदी है। तो मैं अर्ज करा, भोजन मुंह दे राही अंदर जाएगा, होर कोई तरीका ही नहीं है। ते खून बनेगा, रस बनेगा। भजन कन्ना दे राही अंदर जाएगा, होर कोई रस्ता नहीं। अखां दे राही अंदर नहीं जाएगा। गुरु परमात्मा वेखण का विषय ही नहीं है, की वेखोगे? सुनन का विषय है, गुरु सुनन का विषय। दो लफ्ज फिर चेते कर लेना, भजन ते भोजन। भजन आत्मा की खुराक है, भोजन शरीर की खुराक है। भोजन मुंह दे राही अंदर जाएगा, भजन कन्ना दे राही अंदर जाएगा, और कोई तरीका नहीं। भोजन हत्था ने बनाना है, भजन रसना ने करना है। रसना ने करना है, रसना ने भोजन यानी भजन बनाना है, कन्ना ने सुनना है। भजन कन्ना के राही अंदर जाएगा, और किधर एक पंक्ति भी गुरु भी अंदर चली जाए जिंदगी बदल जाएगी।
किनका ए जिस जी बसावे ताकि महमा गनी ना, बयान ही नहीं कीती जा सकती अगर अंदर चली जाए तो। मैं फिर अर्ज करा कोई भोजन भी गुरकी कन्ना च अंदर पावे ता ए रस्ता ही नहीं है, द्वार ही नहीं। ए भोजन भी गुरकी शरीर विच नहीं जाएगी, मुंह विच पानी पाएगी। भजन मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, कन्ना दे राही अंदर जाएगा। इस वास्ते चार पौड़ियां सुनने दिया ने, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए अड़सठ काल स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे नाम, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। भाव जब तू जब जी पढ़े ते सुन, जब तू वाहगुरु वाहगुरु जपें ते सुन, बस इन्नी यही ध्यान साधना है। गुरु घर विच यही ध्यान साधना है और कुछ नहीं, और लंबे चौड़े चक्रां विच ना पैना। वाहगुरु वाहगुरु इंज जपना ते कन उसनू सुन, ये कन्ना दे राही अंदर चला जाएगा। और जब अंदर जाएगा तो अध्यात्मक बल बनेगा, अध्यात्मक रस बनेगा, अध्यात्मक ज्ञान बनेगा। तो मैं अर्ज कर रहा सी आनंद तक पहुंचना है, किवें पहुंची है आनंद तक पहुंचने वास्ते पहला पड़ाव है जप। इस वास्ते नितनेम दी सानू जिहड़ी बाणी दित्ती सतगुरु ने, जप पहली। ते जप किसदा करना है? जप करना है आद सच दा, जुगाद सच दा। जप कदों करना है? अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। ते जप किवें करना? एक दूजी बहु लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदी। रसना नाल जपना है। रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पाओ। रसना नाल जपना है। तो जप पहला पड़ाव है। ते जद कोई आद सच दा जप करना शुरू कर देंदा है और अमृत वेले करदा है, बड़ी बरकत है। साहिब कहिंदे हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। बड़ी महिमा सतगुरु ने बयान की, बड़ी गल है। तो खैर मुख्तसर करिए, जपना रसना नाल है, जपना अमृत वेले है, जपना सच नो है। तो पहली बाणी सानू सतगुरु ने जप जी दिती, जप। दूजी बाणी है जाप। जब कोई अमृत वेले जपदा है, सच नू जपदा है, रसना नाल जपदा है, उदे अंदरों फिर एक निर्माणता दा जन्म हुंदा है, गरीबी दा, निर्माणता दा। जप जप के जिस दे अंदर हंकार पैदा होया उसने जपया नहीं, इन्नी मैं अर्ज करदे हां। जप जप के जिहड़ा आकड़ गया है, झुकया ही नहीं, इन्हें नहीं जपया। इस दरखत नू फुल फल नहीं लगे, क्योंकि जिस दरखत नू फल लगदे ने उते झुक जांदा है। मैं कई दफा कुछ अभ्यासियों नू देखदा उल्टा हंकारी हो जांदे ने, उत्थे कहना पैंदा अभ्यास नहीं है, वी दिखावा है और कुछ नहीं। अभ्यासी मनुख हंकारी नहीं हो सकता, अभ्यासी मनुख निर्माण होवेगा। अभ्यासी मनुख दे अंदर बड़ी भारी हलेमी होवेगी, निर्माणता होवेगी। तो वह मनुख झुक जाएगा सजदे विच और हर वक्त सजदा करेगा। तो जाप साहब दे सजदे ने, नमस्तुं अकाले, नमस्तुं कृपाले, नमस्कार झुकना, भई नमो नमो नमो, ऐ चलदा और कुछ नहीं। नमो सर्वदयाले, नमो सर्वकाल, गरज के ए नमस्कार नमस्कार झुक गया। हर वक्त हाथ जुड़े हुए ने, हर वक्त झुक रहे है और उदी झलक वेख रहे है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, हे सूरजा दे महान सूरज तेनू नमस्कार है, हे चंद्रमा दे महान चंद्रमा तेनू नमस्कार है। हुण परमात्मा दी झलक वेखोगे तां कित्थों वेखोगे? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, हे प्रभु मैं तेरी कोमलता ते सुंदरता वेखदा फुल्लां विच, मैं तेरी रवानी वेखदा पवन विच, मैं तेरी शीतलता वेखदा चंद्रमा विच, मैं तेरा प्रकाश वेखदा सूरज विच। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले, कहूं पवन होए के बहे वेग ऐसे,
कहे मो ना आवे कथू ताहे कैसे। हे प्रभु तू किधरे फुल होके खिड़े होया, मैं तेरी कोमलता ते सुंदरता उदे च वेखदा, मैं तेरी रवानी पवन विच वेखदा। और चंद्रमा ते सूरज हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अभे बेनती सुन लीजे। हे प्रभु मैं तेरी शीतलता चंद्रमा विच वेखदा, मैं तेरा नूर सूरज दे च वेखदा। तू ते कई रूपां च मेरे ते प्रगट है, किधरे पवन विच कदे पानी विच किधरे सूरज विच किधरे चंद्रमा विच किधरे खिड़े फुलां विच। इस तरह के मनुख वास्ते की हो जाता है, जगत सब हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। और फिर वो झुकता है नमस्कार देच। जिन्ने चिर तक जप जाप नहीं बनिया, हिमा करनी जपया ही नहीं, जप ते जाप बन जाना चाहिए, झुक गया। हुण जाप का मतलब है अठे पैर निर्माणता अंदर बनी हुई है। जप जीवन का अंग बन गया, जिवें श्वास पे चलते, खून पे चलता, नबज पे चलती है, दिल पे धड़कता है, इस तरह ही जाप चल रहे। इस तरह एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना आऊ। तो दूजी नितनेम की बाणी है जाप, तीसरी बाणी है बैराग की बाणी। अगर जप जाप बन जाए तो जाप बैराग जरूर बनेगा। सवैये बैराग दी बाणी है, माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप बलि बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहां भय भूपते अंत को नांगे ही पाए पधा। अन्ने वड्डे वड्डे सन किथे गए, नंगे ही गए, कुछ भी नहीं, आसार है जगत, बैराग पैदा हो गया, कुछ भी नहीं, धक्का लग गया, बैराग पैदा हो गया। और जप अगर जाप नहीं बनया, जाप तो मुराद निर्माणता अठे पैर, इस सिमरन हूं अंदरों चले, पहले रसना कर रही सी हूं अंदरों, हूं अपने आप भोजन मुंह नाल छकिया, हुण अंदर पचेगा ते खून बनेगा ते अपने आप है। तो भजन जबान ने कीता ते कन्ना ने सुनिया, जद वो अंदर वसेगा तो बनेगा जाप, अपने आप चलेगा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना, अपने आप बनेगा। इसे नु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, मेरा सिंह इतना महान हो जाए कि जाप सो अजप्पा जापे, अजप्पा जाप जपे, रसना ना जपे लेकिन फिर भी जाप चलता रहे, अजप्पा जाप। जिवें मनुख किसी की याद च बैठा हो बार, तो जबान नाल ते रटन नहीं करता पिया पर याद च बैठा, तो जप जाप जद बनता है तो जाप बैराग बन जाता है। और इस वास्ते सानू तीसरी बाणी दिती बैरागमई दस सवैये। और जब जाप बैराग बनता है तो बैराग अरदास बनती है। इन्नी मेहनत करा अंदरों प्रार्थना का जन्म होता है अरदास। तो चौथी बाणी है अरदास की, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा। सारी अरदास। और इस अरदास का अंदरों जन्म होता है, एदे तय दे छे बैराग, ओदे तय दे छे जाप, ओदे तय दे छे फिर जप। और इस तरह की जब अरदास निकलती है, खिमा करनी कदी व्यर्थ नहीं होती, विरती कदे ना हो वही जन की अरदास जिहड़ी बैराग चो पैदा हो। सवाल ही नहीं पैदा होता ये अरदास व्यर्थ चली जाए, फिजूल चली जाए, कबूल ना हो, नहीं प्रवान हो, बैराग दे चो पैदा हुई है। बैराग जाप दे चों पैदा होया, जाप जाप दे आसरे ते खड़ा है। तो अरदास लाजमी प्रवान होगी और ये जोड़ी लाजमी काबले कबूल होगी। तो चौथी बाणी सानू अरदास दी दिती, प्रार्थना अरदास। ते जब अरदास कबूल हो जाती है तो फिर जो कुछ बनता है वह है आनंद, वह है आनंद। इस वास्ते आनंद अखीर विच
आनंद किसी चीज तो नहीं मिलता, पुत्र दे मिलन नाल सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। धन दे मिलन नाल संसार दे कुछ सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। मित्रां दे मिलन नाल, प्रभुता दे मिलन नाल, इज्जत मान मर्यादा दे मिलन नाल कुछ सहूलत मिल सकदियां, आनंद नहीं। आनंद ते मिलदा है गुरु दे मिलदियां, रब दे मिलदियां। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाए। सतगुरु दा मिलना आनंद दा मिलना, परमात्मा दा मिलना आनंद दा मिलना, अकाल पुरख दा मिलना आनंद दा मिलना। ते आनंद तो फिर अगे कुछ भी नहीं, आनंद शिखर है। और जिस दिन आनंद मिलदा है, कहिंदे आनंद दी फिर एक सिफत है, वह वधदा ही है घटदा नहीं। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट, वधदा है। इस वास्ते आखरी समय तक, आखरी दम तक भगदा दे अंदर नाम जपण दी खिच बनी रहिंदी, क्योंकि आनंद वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, घटदा ते है नहीं। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाए। कबीर कहन हे प्रभु मैं पानी पिया ते प्यास बुझ जाती, पर तेरा नाम जपदा ते नाम जपण दी प्यास होर पैदा हो जाती। फिर मैं होर जपदा ते प्यास होर पैदा हो जाती है। ते मैं फिर अर्ज कर दिया, भोजन देच इतना स्वाद नहीं, भुख देच स्वाद है। रुपए कामे दोस्ती भुखे साधे गंड। भोजन दी एक बुरती तुसी अंदर पाओ ना, तो भुख थोड़ी जी घटी मिकदार, बहुत थोड़ी। ते जितनी थोड़ी भुख घटे उतना रस भी घट गया। हुण दूजी बुरकी पाओ, तीजी बुरकी पाओ, जैसे जैसे भुख घटती जाएगी वैसे वैसे रस घटता जाएगा। ते जब बिल्कुल ही पेट भर गया, भुख मिट गई, रस भी मिट गई। पर साचे नाम की लागे भूख, उद्भूखे खाए चलिए दुख। रब दे नाम दी किधरे भुख पैदा हो जाए। ते जद बंदा जपदा है ते भुख होर वधदी, क्यों? आनंद वधदा, आनंद दी सीमा नहीं, आनंद वधी जांदा है, वधी जांदा है। किधर भोजन दी बुरकी तुसी छकी जाओ, भुख घटी जांदी है, रस घटी जांदा है। इधर तुसी भजन करी जाओ, रस वधदा जा रहा है, भुख वधदी जा रही है। आखरी समय तक भी भगत नाम जपदिया जपदिया बस नहीं की उन्होंने, कि नहीं है कि रस वधदा जा रहा है। सर्वन दरिद्री सुन अमृत बचन पे, अचवत सुरत प्यास न मिटाई है। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहते हैं एक कान मेरे बड़े दलिद्री ने, रजदे ही नहीं रब का जस सुनदियां सुनदियां। मैं कहना रज जाओ, रजदे ही नहीं, भुख बनी रहती है, प्यास बनी रहती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कोट करन दी जे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। तू दो कन दिते ने करोड़ा कन दे, ताकि तेरा जस सुनदे ही रहिए, सुनदे ही रहिए, रस मानदे ही रहिए, मानदे ही रहिए। क्योंकि सुनदिया रस बनता है, भुख वधदी है, रस वधदा है, आनंद वधदा है। तो आनंद कभी घटदा नहीं, वधदी है। और आनंद शिखर है, सुख जिहड़ा यह घटदा है। घर विच पुत्र दा जन्म होया, कुछ सुख मिले है। हुण सहज सहज इस पुत्र ने वड्डा होना है, दुख घटना है, वधना कोई नहीं। इस चक्कर च कभी ना पैना, घटते नहीं दुख, वह चाव मलार घट जाते हैं। जगत का कोई ऐसा सुख ते सहूलियत नहीं जिहड़ी घटे ना। अगर कुछ वधदा है तो वह आनंद है। तो आनंद उदों ही मिलता है जब अंदरों अरदास पैदा होवे। अरदास उदों पैदा होती है जब अंदर बैराग होवे। बैराग का जन्म उदों आता है जब अंदर जाप होवे। जाप उदों जमदा है जब रसना ते जप होवे। एनी मैं अर्ज कर रहा, ये पंज बाणियां सतगुरु ने साडी झोली च पाईआं ने। ते जिन्हें हिरदे की झोली च पा लिया, उदा लोक भी सुहेला, परलोक भी सुहेला। एने मैं अर्ज कर दें, तुसी आखो समा नहीं मिलता, वकत नहीं मिलता। अगर धन कमाण का समा मिलता है तो फिर धर्म कमाण का भी समा मनुख को है। यह गल वक्री ना कमावे, और इंज कहना पड़ेगा, बिना समा खर्च किए ना धन मिलता है, बिना समा खर्च किए ना ही धर्म मिलता है। कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। इस वास्ते जितना समा असी धन कमाने खर्च करते हैं,
कुछ ना कुछ समा धर्म कमाण विच खर्च करना पेगा ताकि उस आनंद की सानू प्राप्ति होवे जिस दे मिलदिया ही मनुख नू सब कुछ मिल जांदा है और वो आनंद मिलेगा गुरु दे मिलन नाल रब दे मिलन नाल उंज नहीं आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया इस वास्ते परमात्मा नू कहा गया है सत चित आनंद तू सत है तू प्रकाश है तू आनंद है जो आनंद है वो प्रकाश है जो प्रकाश है वो सत जो सत है वो प्रकाश है जो प्रकाश है वो आनंद है आनंद का मिलना ही सब कुछ का मिलना है आनंद मिल गया सब कुछ मिल गया तो आनंद ही परमात्मा है दीवान सवेरे का होवे भावे शाम का होवे होर कोई बाणी पढ़ी जाए भावे ना पढ़ी जाए पर आनंद साहब की मोर लानी पैंदी पढ़नी पैंदी शादी है गमी है खुशी है सोग है आनंद साहब पढ़ना ही पैंदा है इस वास्ते कि मनुख नूं भुल ना जाए तेरी मंजिल आनंद है तेरा टिकाणा आनंद है तू पहुंचना आनंद तक है इन्ने ही वचन प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।